हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खुदा की बारगाह में झुके हजारों शीश। अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई बकरीद अल्लाह की राह में दी कुर्बानी। कुर्बानी का प्रतीक पर्व ईद उल अजहा बकरीद बुधवार को अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। ईद उल अजहा की मुख्य नमाज जलोरी गेट स्थित बड़ी ईदगाह में अदा की गई। इसके साथ ही शहर के अन्य मस्जिदों में भी नमाज पढ़ी गई। नमाज के बाद मुस्लिम भाइयों ने अल्लाह की राह में कुर्बानी दी। बकरीद की मुख्य नमाज बड़ी ईदगाह में शहर खतीब काजी मोहम्मद तैयब अंसारी की मौजूदगी में पेश इमाम हाजी मौलाना याकूब कादरी ने अदा करवाई। पेश इमाम हाजी मौलाना मोहम्मद याकूब कादरी ने ईद उल अजहा के मौके पर हज पर गए यात्रियों की सलामती के लिए दुआ की। साथ ही देश में अमन और चैन, खुशहाली, सौहार्द, आपसी मोहब्बत, भाईचारगी, देश प्रेम के साथ ही बीमारों को शफात, परेशान हाल की परेशानियों का दूर करने, बेरोजगारी और रोजगार देने, हर इंसान की जायज तमन्नाओं को पूरा करने की दुआ की। बड़ी ईदगाह में नमाज अदा करने के बाद कांग्रेस नेता इकबाल खान ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से मुस्लिम समुदाय की शांति, आपसी सौहार्द, मोहब्बत का पैगाम पढ़कर सुनाया। इस मौके पर ईद की नमाज और तफरीरें सुनाकर इस त्योहार की महत्ता समझाई गई। ईदेन अभिनंदन समिति के अध्यक्ष इकबाल खान ने बताया कि ईद उल अजहा के मौके पर शहर खतीब काजी मोहम्मद तैयब अंसारी का महापौर घनश्याम ओझा और जेडीए के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र सोलंकी और वरिष्ठ कांग्रेसी सुपारस भंडारी द्वारा और पेश इमाम हाजी मौलाना मोहम्मद याकूब कादरी का पूर्व नरेश गज सिंह की ओर से साफा और मालाओं से गुलपोशी कर स्वागत अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर शहर खतीब काजी मोहम्मद तैयब अंसारी ने कहा कि ये सम्मान उनका नहीं बल्कि मारवाड़ के समूचे मुस्लिम कौम का सम्मान है। तीन दिन तक चलेगा कुर्बानी का दौर। कुर्बानी का दौर आज ईद उल अजहा से तीन दिन तक चलेगा। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की सुन्नत और इस्लाम के पांचवें रुकन से जुड़े वाक्य की याद ताज़ा करने वाले त्योहार ईद उल अजहा कुर्बानी देने की परंपरा है। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।